क्या आप भी हैं लॉकडाउन और बेरोजगारी से परेशान? तो घबराए नहीं, इस लॉकडाउन और बेरोजगारी में भी आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है इजी कैश पॉइंट। इजी कैश पॉइंट मौका दे रहा है बहुत ही कम खर्च में CSP यानी ग्राहक सेवा केंद्र खोलने का मौका। CSP खोल कर आप कमा सकते हैं 10 से 20 हजार रूपए प्रति महीना। मनी ट्रांसफर, आधार कार्ड से पैसे निकलवाने की सुविधा, सभी कंपनियों के मोबाइल व DTH रिचार्ज, बिल पेमेंट, पैन कार्ड जैसी सुविधाएं और सभी ट्रांजैक्शन पर पाएं तुरंत कमीशन। आज ही CSP ID लेने के लिए और CSP संबंधित जानकारी पाने के लिए संपर्क करें 9162571443 पर। समाचार आज तक पेश करता है दिन भर की ताजा तरीन खबरें। पहली खबर में आपको बता दें कि गोड्डा के मोतिया स्थित अदानी पावर प्लांट में बुधवार की सुबह मजदूरी भुगतान की मांग पर आंदोलित मजदूरों ने जमकर बवाल काटा। प्लांट के सामने मुख्य गेट को जाम कर दिया। सुबह की शिफ्ट में काम करने के लिए अन्य मजदूरों को गेट पर ही रोक दिया गया। मजदूरों ने कहा कि कंपनी के इशारे पर लाठीचार्ज किया गया, इससे कई मजदूरों को चोट भी लगी। करीब 4 घंटे से प्लांट का काम बंद रहा। हंगामा के बीच अडानी सहित ठेका कंपनियों की ओर से मजदूरी भुगतान की पहल की गई। 2 करोड़ का चेक बैंक भेजा गया, इसके बाद मजदूर शांत हुए। वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि आश्वासनों के बाद उस पर सरकार द्वारा अमल नहीं किए जाने से खफा पारा शिक्षकों ने एक बार फिर उग्र आंदोलन की ओर रुख करने का मूड बना लिया है। उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो 16 अगस्त से आंदोलन फिर से शुरू हो जाएगा। आर पार की लड़ाई के लिए वह तैयार है। इस आर पार की लड़ाई में धरना प्रदर्शन व अनशन किया जाएगा। पारा शिक्षकों ने यहां तक कहा है कि जरूरत पड़ी तो आत्मदाह भी करेंगे। सरकार के साथ आर पार की लड़ाई के लिए बुधवार को ठाकुरगंगटी प्रखंड के सभी 16 पंचायतों के विभिन्न विद्यालयों के तमाम पारा शिक्षकों ने एक बैठक कर रणनीति तैयार की। पारा शिक्षकों ने सरकार से मांग की कि आगामी 15 अगस्त तक वेतनमान और स्थायीकरण लागू करें। वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्य प्रकाश सिन्हा के न्यायालय ने सामूहिक रूप से विवाहिता की किरासन तेल छिड़क कर हत्या करने के आरोपित पति कुर्मी चक के अनिल पंडित की जमानत याचिका खारिज कर दी। 8 जून 2019 को मुफस्सिल थाना में दर्ज प्राथमिकी में बंका जिला अंतर्गत दोरैया थाना क्षेत्र के जौकी निवासी रीता देवी ने कहा कि 4 जून 2019 को 11:30 बजे दामाद अनिल पंडित ने सूचित किया कि उसकी लड़की प्रीति देवी सदर अस्पताल में भर्ती है। सूचना पाकर वह सदर अस्पताल पहुंचे, वहां जाकर देखा कि उसकी बेटी प्रीति बेड पर पड़ी है और कराह रही है। पूरे शरीर पर पट्टी बैंडेज है। दामाद को पूछने पर बताया कि वह घर से बाहर चला गया था। अचानक गांव में हल्ला सुनकर वह दौड़ कर घर आया तो देखा कि उसकी पत्नी जल रही थी। उसने आग बुझाने का भी प्रयास किया, इस दौरान उसका हाथ भी जल गया। लड़की को पूछने पर बताया कि उसके ससुर हीरालाल पंडित, सास राम प्यारी देवी एवं ग्रामीण ज्ञानदेव पंडित सभी कुर्मी चक निवासी ने मिलकर उस पर किरासन तेल छिड़क दिया और जलती डिबरी से आग लगा दी। वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि धनबाद में बेखौफ अपराधियों का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि पहले उन्होंने कोयला व्यवसायी के घर रात में बम फेंका और सुबह में व्यवसायी को फोन कर रंगदारी की मांग की। इतना ही नहीं, अपराधियों ने रंगदारी नहीं दिए जाने पर परिवार के एक सदस्य की हत्या करने की धमकी दी है। बताया गया कि अपराधियों का यह धमकी भरा फोन धनबाद के पूर्व विधायक और झारखंड के पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो के सामने आया था। रंगदारी की मांग करने वाले ने अपना नाम पवन सिंह गिरोह का शूटर बताया था। अगली खबर में आपको बता दें कि झारखंड के देवघर जिला अंतर्गत साइबर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कैशबैक का लालच देकर ठगी करने के मामले में 15 साइबर क्रिमिनलों को गिरफ्तार किया। इन साइबर क्रिमिनल की गिरफ्तारी पथरौल थाना क्षेत्र के पथरा सहित मधुपुर थाना क्षेत्र के केसरगढ़ा और पत्थरडा ओपी क्षेत्र के बरडेही गांव से हुई है। पुलिस ने इस साइबर क्रिमिनल के पास से 21 मोबाइल सहित 28 सिम कार्ड, ATM, 4 पासबुक बरामद किया। वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि सारठ थाना क्षेत्र में 6 दिन पूर्व घर से भागी एक नाबालिग छात्रा को पंचायत बुलाकर प्रेमी युवक के साथ शादी करा दी गई, लेकिन शादी के 5 दिन बाद किशोरी ने थाना आकर उसके खिलाफ हो रहे जुल्म के बारे में बताते हुए न्याय की मांग की। उसके साथ उसका पति भी आया था। दोनों ने पुलिस को बताया कि पंचायत बुलाकर फरमान सुनाकर जबरन शादी करवा दिया। किशोरी के मुताबिक ससुराल जाने पर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। ससुराल वाले उसे तरह तरह का उलहना देने लगे। उसके धान रोपने व अन्य कार्य करने को कहा गया। वहीं इस बात को लेकर मंगलवार से बुधवार शाम तक थाना में हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, लेकिन किशोरी ने युवक के साथ जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि इसकी जान को खतरा है। पुलिस ने छात्रा के लिखित बयान पर कार्रवाई शुरू की। थाना प्रभारी करुणा सिंह ने कहा कि मामला गंभीर हो गया है। पुलिस ने युवक युगल पंडित को गिरफ्तार कर लिया है, उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।